गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से ही हो। और जी, मॉर्निंग हो चुकी है। ये सब मेरी दवाइयाँ हैं जो सारी रात मैंने इस्तेमाल की हैं, और अभी ये मैं सरसों का ऑयल गर्म करके लाई हूँ। ये मैं अपने गले पे भी लगा रही थी और मुझे बालों में भी ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि आज मेरा हेयर वॉश है और बालों में काफी डैंड्रफ आ गया है। और साथ में करते हैं सुबह की शुरुआत, और मैं बालों को ऑयलिंग करके अच्छे से इन्हें बंद कर दूंगी। हेयर कैप तो मेरे पास खत्म है, मैं कोई पॉलोथीन ही लगा दूंगी। तो जी, कमरे में और किचन में मैं झाड़ू दे आई थी, और बाहर हवा, मिट्टी, पत्तों ने इतना कचरा किया हुआ था, मजबूरन मुझे फिर झाड़ू देना पड़ा। और मैंने बालों में ऑयलिंग भी की थी, और साथ में मेरा घर का काम, इसके बाद बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि हमने उबला हुआ अंडा और चाय नाश्ते में खाया था। इससे फिर 1-2 घंटा सफाई करके फिर ही मैं नाश्ता बनाऊंगी। बहुत कचरा हो रखा था घर में, जल्दी जल्दी से अब झाड़ू दे लूंगी। सिर्फ ऊपर वाले सहन में झाड़ दूंगी, वो नीचे वाले सहन में नहीं दूंगी, वहां पे कल दूंगी। इस साइड पे अभी झाड़ू नहीं दूंगी, खराब तो ये बहुत है पर तबीयत भी खराब है, इतना मैं कर नहीं पाऊंगी। सो बस यहाँ पे इसे इकट्ठा करके उठा दूंगी। ये टेबल यहाँ ला के रखी है, इसे अच्छे से धो देती हूँ। ये खराब हो गई है, प्लास्टिक की है, बहुत जल्द खराब हो जाती है। अल्लाह जी, ये मेरा टेबल लग चुका है। अब मैं इस टेबल के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। तो जी, ये मैं मेथी साफ़ कर रही थी, और सुबह का नाश्ता हमारा हो गया था। अब हम पियेंगे चाय, और मैं फारिग बैठी थी ज़रा धूप पे, क्योंकि ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा था, नज़ला, और मैंने गले पे और नाक पे बाम लगाया था। धूप पे तो बैठना ही था, तो मैंने सोचा साथ में मैं सब्ज़ी भी साफ़ कर लेती हूँ। ये दरअसल कल से पड़ी है और ये मुरझा रही थी, और इसमें हम शामिल करेंगे, मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे, कुछ भी शामिल हो सकता है। शाम को मैं यही सब्ज़ी बनाऊंगी, और ये हमें काफ़ी पसंद है और ये बनती भी बहुत अच्छी है। बस अब मैं चाय बना लेती हूँ जल्दी से। तो जी, ये मेरे स्नैक बन के आ गए हैं, अब मैं ये खाऊंगी, क्योंकि काम करते करते काफ़ी भूख लग गई थी। ये मेरा स्नैक टाइम है, इसके बाद करूंगी लंच। आज बनेगी हमारे घर में मिक्स सब्जी, और मैं कर रही थी तैयारी। मेथी तो सुबह साफ करके रख दी थी मैंने, अब दोपहर का टाइम था, मैं थोड़ी फ्री थी, मैंने कहा मैं पालक की कटिंग कर लेती हूँ। पालक बस ये 2 मुट्ठी है, और वो हरे मटर हैं, उन्हें भी छील के रख दिया है मैंने। तब जल्दी से इसे कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर पानी में भिगो के रखती हूँ नमक लगा के, इससे इसका कड़वापन भी चला जाता है और इसे उबालना भी नहीं पड़ता। फिर
तो जी ये सब्जी मैंने तैयार की है, जिसे मैक्सिमम मुझे 3 घंटे लग गए हैं। ये पालक है, ये नमक और हल्दी से धो के इसको अच्छे से मैश कर दिया है, इसलिए थोड़ी लग रही है। और ये मेथी है, बोनलेस चिकन है, और ये हरी मटर, और ये बाकी का मसाला मैंने तैयार किया है। तकरीबन इसे 3 से 3.5 घंटे लगे हैं। अभी मैंने खाना बनाना भी है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मैंने शाम की चाय पी है। और आटा मैंने निकाल के रख दिया है, और जूस आज मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़ला है इसलिए जूस भी नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं टैबलेट ले रही हूँ अपने। और बस, और हाँ, और मुझे ये कहना था कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसकी रेसिपी तो अगले व्लॉग में ही आएगी, तो क्योंकि शाम का खाना बनाने में अभी मुझे देर है, अभी 1 घंटा तकरीबन मैं रेस्ट करूँगी मेडिसिन लेने के बाद। मैं हवा में नहीं घूम रही इस वक्त, अभी मैं जाके आराम करूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।